आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद अमरोहा का है, जहां पर 16 घंटे से फरार चल रहे 50,000 का इनामी बदमाश डिडौली पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ा सराहना कार्य किया है। अमरोहा पुलिस अधीक्षक आदित्य ने के नेतृत्व में जनपद अमरोहा के रहरा थाना पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के द्वारा पुलिस ने एक बाइक को रोकना चाहा, तभी तेज रफ्तार आ रही बाइक के ड्राइवर ने पुलिस प्रशासन का उल्लंघन करते हुए बाइक को और तेजी से निकाल दिया और पुलिस पर फायरिंग कर दी। तभी दोनों तरफ से फायरिंग होने के पश्चात बाइक सवार बदमाश के पैर में गोली जा लगी। गोली लगने से ही वह घायल हो गया और घायल को तुरंत पुलिस ने जिला अस्पताल अमरोहा में भर्ती कराया। अभियुक्त की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने अभियुक्त ने चकमा देकर वहां से फरार हो गया। उक्त गंभीर घटना की संवेदनशीलता देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमरोहा द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु समस्त चौकी प्रभारी व SOC सर्विलांस टीम अमरोहा को अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के निकट परीक्षण में लगाया व 17 पुलिस टीमें गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए व ड्रोन टीम अमरोहा को संभावित क्षेत्रों में ड्रोन कैमरा से निगरानी हेतु निर्देश दिया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अमरोहा पुलिस द्वारा सूचनाओं को विकसित करते हुए आपराधिक का पीछा किया गया। अथक प्रयास के सफलतापूर्वक अभियुक्त धीरज उर्फ अजय और इमरान खान को थाना डिडौली पुलिस द्वारा मात्र 16 घंटे में पतकोई चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। थाना डिडौली पुलिस द्वारा एक अभियुक्त अजय उर्फ धीरज उर्फ इमरान, जो कि पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था, उसको थाना डिडौली क्षेत्र के पतकोई चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।